मास्टर जी रमजान मुबारक। रमजान मुबारक बच्चों। अच्छा एक बात बताओ मुझे बेटा कि इस रमजान के महीने को तुम किस नजरिए से देखते हो? अरे मास्टर जी ये रमजान का महीना इस बार इम्तिहान लेके आ रहा है। इम्तिहान? किसका इम्तिहान बेटा? सर ये इम्तिहान उन लोगों के लिए जो लोग कहा करते थे मैं व्यापार में बिजी हूँ, मैं यात्रा में बिजी हूँ और मेरे पास वक्त नहीं है। अब तो सबके पास वक्त है, देखते कौन कितने रोजे रखता है। शाबाश भूरे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार सभी लोग सारे रोजे रखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मैं भी रोजे रखूंगा, या अल्लाह तौफीक दे, नमाज़े पढ़ने जाऊंगा, या अल्लाह तौफीक दे, मैं भी तो मुसलमान हूँ। रमजान आ गया। अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई लोग जन्नत भी क्या प्यारी होगी ना। हाँ यार माशाल्लाह। हाँ, बेशक। जन्नत की जमीन कैसे होगी सोचो? जन्नत की कोई मिट्टी ला सकता है क्या? पागल है क्या भाई तुम? कोई नहीं ला सकता। चलो भाई नमाज का टाइम हो गया। हाँ, चलो, चलो, ये क्या लाया भाई? क्या है ये? जन्नत की मिट्टी है ये। पागल हो क्या तुम? मैंने माँ के कदमों के नीचे से मिट्टी लाया और माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत होती है ना। मास्टर जी वैसे तो हम तीनों सारे रोजे रख रहे हैं लेकिन फिर भी कोई ना कोई काम ऐसा हो जाता है हमसे जो गलत है, तो कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे हम इन सब बुरे कामों से बचे। बेटा सिर्फ तीन बातों का ख्याल रखो, इंशाल्लाह हर बुरे कामों से गलत कामों से महफूज रहोगे। कौन से तीन काम मास्टर जी, हमें भी बताओ। बेटा आइंदा जब भी तुम्हारा मन कोई गलत काम की तरफ जाए तो सबसे पहली बात ये सोचना कि अल्लाह देख रहा है, और दूसरी सबसे बड़ी बात फरिश्ते लिख रहे हैं, और बेटा तीसरी सबसे अहम बात मौत हर हाल में आनी है। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहला रोजा, पहला रमजान और पहला पैगाम। रमजान का महीना सिर्फ नमाज पढ़ने का, इबादत करने का, तरावी पढ़ने का और रोजे रखने का ही नाम नहीं है, बल्कि रमजान का महीना इंसानियत, मानवता, ह्यूमिनिटी के सबक को भी याद दिलाता है। आपको अल्लाह ताला भूखा इसलिए रखता है कि दुनिया में जितने भी भूखे लोग सोते हैं उनकी भूख का आपको भी एहसास हो और आपके अंदर उनकी मदद करने का जज्बा पैदा हो, खास करके ऐसे हालात में जबकि लोग रोटी और खाने को तरस रहे हो। बराए मेहरबानी अपनी इफ्तारी के दस्तरखान का फोटो और वीडियो टिकटॉक पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर शेयर न करें। सब आपके जैसे खुशकिस्मत नहीं होते। आज भी कुछ लोग खजूर पानी नमक से रोजा खोलते हैं। बात समझ में आई? अरे बच्चों जन्नत में जाना चाहेगा कोई? बेटा मेरे पास एक मैसेज आया है, 21 लोगों तक भेजना है आगे। मैं तो भेज चुका हूँ, तुम भी भेज दो, तुम्हारे पास भी भेज दिया मैंने। नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, कर दी ना मास्टर जी बेवकूफों वाली बात। माना के इस्लाम आसान है मगर इतना भी आसान नहीं कि एक मैसेज 21 लोगों को भेजने से जन्नत मिल जाएगी। तो बेटा उस मैसेज में तो चलो आओ करते हैं तौबा के सजदे, बहुत तिश्नगी से तवज्जो के सजदे। या खुदा आज सर का मूड अच्छा हो। सर अरे हाँ मैं तेको बुलाया था ना, ये ले 5000 ले। सिर्फ 5000? सर 5000 में क्या होगा सर? सर रमजान का टाइम है सर, घर की जरूरतें ज्यादा है, आपको भी पता है। हाँ ना रख ले, चल अभी क्या बोलूँ मैं। भाई 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 ये देखो ना, ये दवा लाने का, मेरी मम्मी की तबीयत बहुत खराब है, प्लीज अगर आपसे 5000 रुपए हो तो मेरे को दे दो ना प्लीज।
इन 5000 में शायद मैं अपने घर की ईद ना मना पाऊँ, पर किसी की माँ की जिंदगी जरूर बच सकती है। मास्टर जी, हम तो सारे बहुत ही परेशान हैं। मैं बेटा क्यों हो परेशान, क्या बात हो गई? मास्टर जी, रमजान आने वाले हैं, देश पूरा लॉकडाउन पड़ा है, खाने को कुछ मिल नहीं रहा। कैसे होगा, हमारी सहरी कैसे करेंगे और इफ्तार कैसे करेंगे बताना। अरे तो बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? जिसका काम है वही जाने। जिसका काम है वही जाने, क्या मतलब? बेटा जिसने रमजान बनाए वो रखवाना भी जानता है, हालात चाहे जो भी हो वो सबको खिलाना भी जानता है। तो मास्टर जी बिल्कुल 1,00,000 रुपए की बात कही है, लेकिन अब करना क्या है हमें? तुम तो बेटा बस तैयारियां करो, झोली फैलाओ, उसकी रहमत बरसने वाली है। नेकियों का मौसम है ये, क्यों ना हिस्सा डालूं, जन्नत का सौदा या रब मेरे लिए भी है। अल्लाह तेरा है एहसान, एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान, नूरे रमजान।